Happy, सबसे पहले तो इमरान जी हैप्पी बर्थडे आपको thank you, thank you so uh, जब इस तरह से गाने हिट होते हैं आपने बताया कि ये डायरेक्टर का कॉल नहीं था लेकिन जब इस तरह से गाने हिट होते तो आपकी इच्छा ऐसी होती है कि एक दो किसिंग किसिंग सीन सीन होने चाहिए थे ऐसी ये थैंकफुली के बिना हिट हुआ है. हाँ जी तो मैं बच गया <laughs> भूषण जी आप बताइए कि ऐसे इमरान जी के गानों में ऐसे किसिंग सीन तो होना कंपलसरी है? बट क्यों किस लिए कंपलसरी है मतलब और हिट होंगे बिलियन जाएंगे नहीं, नहीं 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 ऐसा नहीं होता है वो आई थिंक इमी अपने पर्सनल बोलते होंगे कि मेरे को किस करना है लेकिन गानों को उनसे फर्क नहीं पड़ता <laughs> तकरीबन अच्छा sure. भूषण जी तकरीबन साल 2021 में और कितने ऐसे सिंगल आ जाएंगे एंड इमरान जी के साथ में कितने रहेंगे अगर आप बता सकें भैया इमरान जी ने मतलब फिल्में भी करनी है तो वो सिंगल्स कुछ कुछ हम इनसे करवाते रहेंगे एक सिंगल तो मैं ऑलरेडी अभी हम प्लान कर रहे हैं जो अभी इनको मैंने बताया भी नहीं है बट होपुली दैट इज़ इक्वलन टू लुट गए जिस तरीके से वो बन रहा है सो दैट विल डेफिनेटली प्लान सूनर हाई इमरान फैजान दिसर्ट फ्रॉम न्यूज हेल्पलाइन मेरा सवाल आपसे है uh, yes. जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है गानों आपके गाने को इस सिंगल को कि जहाँ पे मैं जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ यही गाना मुझे प्ले होते हुए दिख रहा है आपको किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है आपसे जानना चाहता हूँ एंड कोई एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट mm. जो आप शेयर करना चाहते हैं जैसे मैंने अभी बोला इससे पहले कॉन्फ्रेंस से पहले मैंने कहा कि जब मैं बाहर जाता हूँ जिम या कहीं शूट पर देर आर ऑलवेज पीपल स्टैंडिंग आउटसाइड ब्लूटूथ स्पीकर के साथ और वो गाना रिपीट पर सुनते रहते हैं जब मैं अंदर जाता हूँ बाहर निकलता हूँ तो ये इस किस्म का क्रेज मैंने शायद ही किसी गाने के लिए देखा हो इट्स बिकम सच अ रेज लोग गुनगुना रहे हैं ये इट्स एक नशा है इट्स इट्स बिकम लाइक सच एन एंथम सब लोगों के लिए और रील्स भी इतने रील्स बन चुके हैं इंस्टाग्राम पर इट्स द हाइस्ट एवर फॉर एनी इंडियन सॉन्ग तो ये एक टेस्टमेंट है कि जस्ट कॉट ऑन लाइक वाइल्ड फायर एंड आई एम सेइंग मुझे पता है कि एंड एंड वी ऑल न्यू इट्स सॉन्ग लेकिन ये खुद की एक दिशा होती है uh, और बस लग गया अभी एंड किस, किस तरीके से आप ऑनबोर्ड आए जिस तरीके से आपने बताया कि जूम मीटिंग थी भूषण जी ने क्या आपको uh, ब्रीफ दिया इसके बारे में का, uh, एन, नहीं, हम, हमने तो आई थिंक जुलाई अगस्त में बात की थी पिछले साल लॉकडाउन में सब उतावले हो रहे थे लॉकडाउन में कुछ करने को था नहीं काम का डिस्कशन था फिल्म कभी ख़त्म करेंगे गाना कभी शूट करेंगे बस एक गाना सुना दिया एक रात को और जब मैंने गाना सुना झट से मैंने भूषण जी को फ़ोन किया कहा कि दिस इज़ अ फैंटेस्टिक सॉन्ग आई लव इट एंड बातें चल रही हैं तब से मैं रो ना रहा से पहले भी उसके बाद थोड़ा वक्त बीत गया वी वॉन्ट समथिंग स्पेशल तो जब उन्होंने ये सुनाया गाना तो मैंने कहा कि आई लव टू बी part of it. I didn't also want to be like an overkill you know, uh, in music videos. Mein. I wanted to do something special. So when I I felt that this is this is going to be a treat for the audience. So I don't know, and ja yeah. Hello. Hi Imran, Hi. this is Nityanshi here from Film Window. Hi. So my question to you is that uh, you've done a lot of, like you're the face of Bollywood, one of the most popular faces of Bollywood and now there's a season where we see uh, one after the other, music videos coming. So, what do you have to say about this shift? Like, first digital shift came, and up then there's this single shift, music video shift. So, how is the working experience and audience point of view? Say, so what do you think is music videos now attracting everybody more? No, it's not about attracting people more. I think it's definitely an added, added avenue. I mean, music videos were always there. It's just that a digital ka explosion hua in the past few years with a lot of things, music videos, uh, OTT. और अभी लॉकडाउन में किसी के पास कोई और चारा नहीं था एंड एवरी वन हैज़ अंडरस्टुड द सर्टन वैल्यू ऑफ म्यूजिक वीडियोज़ एंड ओ टी टी एंड डिजिटल स्पेस दैट्स ह्यूज दैट सो मच ऑफ स्कोप हेयर